नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका अपना राजहंस। यार ये सर्दी ना एक तरफ तो मजेदार है, गर्मा गर्म चाय, गजक, मूंगफली, मजे ही मजे। लेकिन दूसरी तरफ बस एक जगह बैठे रहने का मन करता है ना। सुबह उठने का तो बिल्कुल मन नहीं करता। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्या सिर्फ ठंड की वजह से है या कुछ और भी राज छुपे हैं? आज हम इसी पर बात करेंगे। सर्दियों में इतनी नींद क्यों आती है, और हाँ इससे बचने के कुछ देसी नुस्खे भी बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत कर देना। सबसे पहली बात, सर्दियों में रातें लंबी होती हैं और दिन छोटे। अब ये तो सिंपल है, जब अंधेरा जल्दी हो जाएगा तो नींद भी तो जल्दी आएगी, है ना। हमारे शरीर में एक घड़ी होती है जिसे कहते हैं बॉडी क्लॉक। ये बॉडी क्लॉक अंधेरे में एक हार्मोन रिलीज करता है, मेलाटोनिन, और यही मेलाटोनिन है जो हमें सुला देता है। तो जब दिन छोटे होते हैं तो मेलाटोनिन जल्दी बनने लगता है और हमें जल्दी नींद आने लगती है। इसे ऐसे समझो जैसे ही अंधेरा होता है हमारा शरीर कहता है, भाई सो जा, रात हो गई है। सर्दियों का दूसरा चक्कर है सूरज की लुका छिपी। यार सर्दियों में तो सूरज भी जैसे छुट्टी पर चला जाता है। अब सूरज की रोशनी कम होने का मतलब है हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी। विटामिन डी ये वो चीज है जो हमें एनर्जेटिक रखती है, एक्टिव रखती है, और जब यही विटामिन डी कम हो जाता है तो हम भी हो जाते हैं सुस्त और थके हुए। बस फिर क्या, पूरा दिन रजाई में घुसे रहने का मन करता है। चैप्टर 3। यार विटामिन डी सच में बहुत जरूरी है। ये सिर्फ हमारी हड्डियों को ही मजबूत नहीं बनाता बल्कि हमारे मूड को भी अच्छा रखता है। जब शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो हम उदास फील करने लगते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं और थकान भी जल्दी लगती है। अब जब मूड ही खराब रहेगा तो भाई कौन उठेगा बिस्तर से। इसलिए जरूरी है कि हम विटामिन डी की कमी को पूरा करें। चैप्टर 4। अब सवाल यह है कि सर्दियों में इस सुस्ती से कैसे बचा जाए। तो भाई सबसे पहले तो कोशिश करो कि सुबह की धूप जरूर लो, धूप में बैठो, टहलो, थोड़ी देर एक्सरसाइज करो। इससे विटामिन डी भी मिलेगा और शरीर भी एक्टिव रहेगा। दूसरा, अपने खाने में ऐसी चीजें शामिल करो जिनमें विटामिन डी होता है, जैसे अंडे, मछली, दूध, और हाँ पानी पीना मत भूलना। सर्दियों में हम अक्सर पानी कम पीते हैं जिससे भी सुस्ती आती है। चैप्टर 5। कुछ और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर भी आप सर्दियों में एक्टिव रह सकते हैं, जैसे टाइम पर सोना और टाइम पर उठना, एक्सरसाइज करना, हेल्थी खाना, और हाँ ज्यादा देर तक रजाई में मत घुसे रहो। जितना ज्यादा आराम करोगे उतनी ही ज्यादा सुस्ती आएगी। उतरो तो दोस्तों, ये थे कुछ कारण और उपाय सर्दियों में आने वाली नींद से निपटने के। याद रखो, सर्दी अपने आप में एक खूबसूरत मौसम है, इसका मजा लो, लेकिन साथ ही अपनी सेहत का भी ध्यान रखो। एक्टिव रहो, हेल्थी रहो और खुश रहो। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।